इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा पानी का हम लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत है। पानी का बहुत दिक्कत है, नापी भी ले गया तो ऊपर भी अभी तक नहीं दिया, किन किन के पानी पी रहे हम लोग को कोई रोजगार नहीं। सबसे बड़ी समस्या है पानी मिलती नहीं है, नाली के पानी लोग यूज करके पी रहे हैं। गेट के पास में वो पंडाल इधर में बनाया गया है, पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ सबसे ज्यादा परेशानी पानी का। अभी हम धनबाद संसदीय क्षेत्र में ये चिरगुंडा थाना के अंतर्गत जो कि निरसा विधानसभा पड़ता है और यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं क्या मुद्दा है यहाँ का। वोट दे दिए? हाँ वोट दे दिए हैं और देख सकते हैं वोट दे दिए, वोट दे के निकले यहाँ पे जो कि सब्जी मंडी का समीप है। और क्या मुद्दा यहाँ, क्या परेशानी? यहाँ सबसे ज्यादा परेशानी पानी का है। पानी का लोग पानी के लिए बहुत दिक्कत होता है यहाँ, पानी की पूरा किल्लत है। और किल्लत है, बहुत थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ही किल्लत है। और क्या दिक्कत है? पानी का दिक्कत है और भी कुछ बहुत कुछ है, लेकिन मेन मुद्दा पानी है यहाँ का। मेन मुद्दा पानी। हाँ, यहाँ पे लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, बहुत दूर दूर। हाँ तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि मेन मुद्दा जो है पानी का है। और आगे हम दिखाते हैं और जाने का प्रयास करते हैं जो समीप। हाँ तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि बहुत चिलचिलाती धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पे पंडाल का व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण महिला पुरुष को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। देख सकते हैं पंडाल वहाँ पे बना दिया गया है और यहाँ पे वोट देने में कितना कठिनाई है जो कि देख सकते हैं। इतना टेम्परेचर डिग्री, इतना गर्मी में और लोग यहाँ अस्त व्यस्त है और हम भी वोट देने के लिए आए थे, ये हमारा बूथ है हमारे गाँव का, और देख सकते हैं लेकिन यहाँ पे इतना गर्मी है जिसके कारण लाइन पे लगने का स्थिति में नहीं है। और यहाँ पे जानने का प्रयास करते हो जो देख सकते हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे इस बार क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा हम लोग लोकतंत्र का महापर्व है और इसी में हम भाग लेने के लिए हम लोग इलाहाबाद से आए हैं। अच्छा। और सब लोग बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और सब इसको मजबूत करिए, वोट दीजिए और सब बहुत अच्छा है, प्रशासन से अच्छा व्यवस्था है। समस्या क्या है यहाँ का? समस्या तो थोड़ा धूप है लेकिन ठीक है, फिर भी सही है। परेशानी है धूप का, परेशानी यहाँ पर है, बहुत परेशानी है धूप का, जो कि कोई व्यवस्था धूप का नहीं है, जिसका कारण से बहुत अस्त व्यस्त अस्त है। अजय देख सकते हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, व्यवस्था थोड़ा बेहतर होना चाहिए था, बेहतर व्यवस्था होना चाहिए था। जो कि देख सकते हैं यहाँ पे सबका कहना है कि व्यवस्था थोड़ा टाइट होना चाहिए था, उत्तम व्यवस्था होना चाहिए था यहाँ पे। धूप के चलते देख सकते हैं महिला पुरुष लाइन में लगने का स्थिति में, हम खुद लाइन में लगने का स्थिति में नहीं, कहा कि इतना चिलचिलाती धूप है। देख सकते हैं चारों तरफ पंडाल वहाँ पे बनाया गया, पंडाल यहाँ बनाना चाहिए था। जो कि प्रचंड गर्मी है और यहाँ पे लाइन लगा हुआ है सारे महिला और पुरुष जो कि प्रचंड गर्मी में भी वोट देने के लिए आए। पहले और भी ज़्यादा भीड़ था लेकिन अभी कम है। और एक चीज़ खास चीज़ दिखाना चाहेंगे जो कि ये 72-73 बूथ नंबर है, लेकिन बूथ यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, जिसके कारण यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे वोट देने वालों को बहुत दिक्कत है। देखिए जो अंदर कलम से लिखा हुआ जो दिखाएंगे, दिखाने का प्रयास करेंगे, वहाँ पे बूथ नंबर जो लिखा हुआ देख सकते हैं कलम से, लेकिन यहाँ पे बाहर में नहीं लिखा हुआ 372-73, जो हो सकता है कि थोड़ा दिक्कत होगा वोटरों को देने के लिए। और यहाँ पे जाने का प्रयास करते हैं कि क्या मुद्दा है यहाँ पे, क्या परेशानी है? कुछ परेशानी नहीं है। गांव में क्या दिक्कत है, क्या चीज़ का प्रॉब्लम है? बीजेपी का सरकार हो तो कोई दिक्कत ना। सरकार बीजेपी, दिक्कत क्या है? दिक्कत पानी, बिजली, सड़क, कुछ नहीं है दिक्कत, सब चीज़ सही है। हाँ सब सही है। हाँ तो देख सकते हैं कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं है। क्या समस्या है? समस्या है कि धूप बहुत ज्यादा लग रहा है, जो पंडाल बनना चाहिए गेट के पास में वो पंडाल इधर में बनाया गया है, पानी की व्यवस्था नहीं है। हाँ। मतलब यही सब सारी पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं, सीनियर सिटीजन के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था नहीं नहीं। गाँव में क्या कुछ दिक्कत परेशानी जो मुद्दा के कारण, मतलब बूढ़ा बुजुर्ग को लाने के लिए कोई साधन भी नहीं किया गया है यहाँ पर, और क्या बोले यहाँ पे जो कि सीनियर सिटीजन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है और काफ़ी धूप है यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या समस्या है? यहाँ पानी की सबसे बड़ी समस्या है, पानी मिलती नहीं है, नाली के पानी लोग यूज करके पी रहे हैं। यहाँ पानी का सबसे बड़ा समस्या है, कोई आज तक उस पर संज्ञान? कुछ नहीं, कोई नहीं, जिसको बोलने जाए चलो बात करते हैं, कोई आगे आके नहीं आता है यहाँ पे, कोई आगे नहीं आता है। कोई पानी नहीं। का सबसे बहुत समस्या, बहुत समस्या है पानी का। सामने पंचित मैथन का डैम है, पानी नहीं। हाँ, आधा डुमरकुंडा तक, इधर डुमरकुंडा तक पानी सप्लाई होती है, ये बुटवाड़ी तक सप्लाई होती है और बीच में हम लोग रह गए हैं टापू की तरह, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ तो देख सकते हैं जो पानी का बहुत प्रचंड समस्या है यहाँ पे, जिस मुद्दे पे लोग यहाँ वोट कर रहे हैं और देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ बूथ नंबर बाहर में नहीं लिखा हुआ, 72-73 अंदर में लिखा हुआ है, जिसके वजह से कुछ लोगों को परेशानी हो रही है, वोटरों नहीं है। हाँ, जो कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। और यहाँ पे बोलिए, हम हैंडीकैप हैं, हैंडीकैप के लिए कुछ सुविधा होना चाहिए, हैंडीकैप के लिए कुछ सुविधा होना चाहिए ना। हाँ, सुविधा नहीं है। हाँ तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि हैंडीकैप है और यहाँ कुछ सुविधा होना चाहिए, ये सुविधा हुआ रहता तो बढ़िया ना रहता है। क्या बोल रहे हैं? ये सुविधा, ये जो पंडाल है तो हुआ रहता, जहाँ लाइन में लग रहे वहाँ पे होना चाहिए था। हाँ,
तो ये प्रचंड जो गर्मी है, चिलचिलाती धूप में लोग अस्त व्यस्त हो जा रहे हैं, हाल बेहाल हो जा रहा है, जिसके कारण इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे पंडाल जो है कि गलत जगह में बनाया गया, वहाँ पे बनना चाहिए था ताकि लोगों को सुविधा होता। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ महिलाएं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या मुद्दा है, समस्या क्या है? पानी की बहुत दिक्कत है, नापी भी ले गया तो ऊपर भी अभी तक नहीं दिया, किन किन के पानी पी रहे, हम लोग को कोई रोजगार नहीं है, अब बहुत हमको समस्या खराब है, पानी का समस्या, रोजगार। हाँ सर, बस एकदम समस्या खराब है। और पानी देख सकते हैं जो कि काफी यहाँ पे जो भी लोग बोले पानी का समस्या, पानी का समस्या, और भी कोई दिक्कत तो है। अब दुगो पोसे नाती तो वो रोजी रोजगार नहीं है, वो खाने को नहीं मिलता है, घर में वो झगड़ा करता है, तो समस्या तो बहुत खराब है। समस्या जो पानी का है। हाँ, पानी के कि हम बुढ़ारी आदमी कहाँ जाएंगे पानी लाने, मोल पानी ला के कहाँ पी सकते हैं, उतना 20 रुपये डेली 40 रुपये उतना हम जुटा पाएंगे, कुछ साधन नहीं है। हाँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो पानी का मेन समस्या है, और यहाँ जाने का प्रयास करेंगे। क्या मुद्दा रहेगा इस बार का? इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा पानी का, पानी का, पानी का हम लोगों का यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। पानी नहाना धोना, यहाँ तक कि लेटरिन बाथरूम के लिए भी सोचना पड़ता है पानी के चलते, इसलिए पानी का बहुत ज्यादा दिक्कत। जबकि 3 किलोमीटर दूर में पंचित है, 4 किलोमीटर दूर में माइथान है, फिर भी हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है सरकार से और आपके मीडिया के माध्यम से कि बात को आगे तक बढ़ाएं और पानी का समस्या को दूर करें। हाँ, तो देख सकते हैं जो कि ये माइथान और पंचित का बीचों बीच का ये जगह है, जो कि माइथान का पानी धनबाद जाता है और पंचित डैम का पानी बंगाल जाता है, और पंचित डैम का बने हुए 65 साल हो गए, लेकिन आज तक ये पानी यहाँ के लोगों को नहीं मिला। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर रखिएगा। जय हिंद।